सदियों से लोग त्वचा को स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए विटामिन ई युक्त उत्पादों का उपयोग करते आ रहे हैं, लेकिन बदलते दौर में अब विटामिन ई अपनी उन्हीं तमाम खूबियों के साथ कैप्सूल के रूप में भी आसानी से उपलब्ध हैं। आहार में विटामिन ई युक्त चीज़ें शामिल करने या इसके बदले इसके कैप्सूल के इस्तेमाल से जहाँ हृदय रोग से लेकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव होता है, त्वचा और बाल को आवश्यक पोषण मिलता है, वही बाह्य रूप से विटामिन ई कैप्सूल का उपयोग आपको आकर्षक बना सकता है। साथ ही इससे कई तरह की त्वचा संबंधी परेशानियां भी दूर होती है और इसके लिए बस आपको विटामिन ई कैप्सूल से तेल निकालकर अपनी त्वचा पर लगाना है। कैसे लगाना है, कब लगाना है, वो हम आगे वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, आप वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें, तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, यह बिल्कुल ही एक मॉइस्चराइजर की तरह विटामिन ई कैप्सूल का उपयोग बताया गया है इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर इस वीडियो को आप देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब भी हम ऐसा वीडियो अपलोड करें इसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और बात करते हैं विटामिन ई कैप्सूल के हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो पहला, विटामिन ई कैप्सूल आँखों के काले घेरे भी दूर करता है। इसके लिए एक छोटा चम्मच बादाम का तेल लें, उसमें एक विटामिन ई कैप्सूल को निचोड़कर अच्छी तरह से मिला लें। अब काले घेरे पर यह मिश्रण लगाएं। इसके अलावा यह मिश्रण मुहासों और झुर्रियों को भी पूरी तरह से दूर कर देगा। यह सीरम की तरह काम करता है और चेहरे से काले धब्बे मिटाता है। बेहतर परिणाम चाहते हैं तो रात भर इस लेप को ऐसे ही छोड़ दें और सुबह पानी से फेस को धो लें। अगले यूज की बात करें तो विटामिन ई त्वचा सुकोमल बनाती है। एक छोटा चम्मच मलाई में विटामिन ई का एक कैप्सूल निचोड़ें। बिस्तर पर जाने से पहले हाथों और पैरों के लिए इसे एक प्राकृतिक बॉडी लोशन के रूप में प्रयोग करें। इस लेप को 20 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी त्वचा एकदम से मॉइस्चराइज कोमल जैसी दिखने लगेगी। विटामिन ई कैप्सूल करें फटी एरिया भी ठीक। विटामिन ई कैप्सूल आपकी फटी एरियों की समस्या भी आसानी से दूर कर सकता है। थोड़ा सा वैसलीन लेकर उसमें विटामिन ई का एक कैप्सूल निचोड़ें। अब इस मिश्रण को बिस्तर पर जाने से पहले फटी एरियों पर लगाएं। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी एरिया साफ सुथरी दिखने लगेगी। विटामिन ई कैप्सूल बालों के लिए फायदेमंद। विटामिन ई का इस्तेमाल आप घने बाल, लंबे बाल और काले बाल के लिए, चमकदार बाल के लिए कर सकते हैं। इसके लिए आप आधा छोटा चम्मच अरंडी का तेल लें और उसमें विटामिन ई का एक कैप्सूल निचोड़ें और इस मिश्रण को तेल की तरह अपने हाथों में लगाकर अपने बालों में लगाएं। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी जो बाल है चमकदार मुलायम दिखने लगेगी। आप चाहें तो फटे होठ के लिए भी विटामिन ई कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सूखे और फटे होठों के लिए अब आपको लिप बाम के भरोसे रहने की ज़रूरत नहीं है। एक कटोरी में आधे छोटे चम्मच नींबू के रस में विटामिन ई कैप्सूल का तेल निचोड़ लें, इसे अच्छी तरह से मिलाएं। बिस्तर पर जाने से पहले इस मिश्रण का उपयोग आप लिप बाम की तरह कर सकते हैं। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी होठ जो है बिल्कुल ही सॉफ्ट मुलायम बनी रहेगी और बहुत ही कम फटने के चांसेस इससे रहते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ मुख्य बेनिफिट्स हमारे एक्सटर्नल स्किन के लिए विटामिन ई कैप्सूल के। विटामिन ई स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। विटामिन ई कैप्सूल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही मददगार होता है। हाँ, अब बात करें कि विटामिन ई के क्या नेचुरल सोर्सेज होते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर की कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए विटामिन ई काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। विटामिन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। हमारी बॉडी उन्हें खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती, इसके लिए हमें फूड और दूसरे संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। विटामिन ई स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी विटामिन में से एक है। कई फलों, तेलों और ड्राई फ्रूट्स में विटामिन ई पाया जाता है। विटामिन ई हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर एलर्जी से बचाने में मदद कर सकता है। साथ ही विटामिन ई कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखने में भी काफ़ी फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज के टॉपिक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरों को भी जानकारी प्राप्त हो। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब भी हम ऐसे ही वीडियो अपलोड करें इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक ऐसे ही टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।